नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी, और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता है, कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, और इस पर रुपए मेहता की क्या राय रहेगी। रुपए जी, M6 कॉटन देख रहे हैं 40,000 के ऊपर सस्टेन है, आपको क्या लगता है क्या M6 कॉटन में यहाँ से अब कभी भी एक शार्प करेक्शन आ सकती है? देखिए, बिल्कुल बाइंग अभी रुकती हुई नजर आई है और प्राइजेस काफी ऊपर बने हुए हैं, और इन लेवल्स के बाद जो है अब आगे चलकर करेक्शन का ही दौर देखने को मिल सकता है। हो सकता है छुटमुट आपको थोड़ा सा बाजार पॉजिटिव आता हुआ दिखे और 500-700 की और तेजी बनती हुई नजर आ जाए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर बाजार एक बार रुका हुआ नजर आ रहा है और नीचे में अगर लुढ़कता है तो करेक्शन ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, और मेरे हिसाब से पोजिशन को अगर रखा हुआ है माल तो उसको लिक्विडेट करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जी, ये सरपा जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपको क्या लगता है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि जो प्राइसेज हैं पशु चारे के लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, दूध के भी प्राइसेज लगातार बढ़ ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या इसका असर अब जाके कहीं ना कहीं बिनौला खल की कीमतों के लिए पॉजिटिव ट्रेंड लेके आ सकता है, या फिर बिनौला खल के जो प्राइसेज हैं वो अभी भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी फिलहाल प्रेशर में है ये कमोडिटी, और ये प्रेशर में बना रह सकता है, और नीचे में एक्सपेक्टेड है कि मुझे लगता है कि एक बार मई वायदा जो है वो 2800-2900 तक नीचे लुढ़क सकता है, यानी करेक्शन बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इसी करेक्शन के मद्देनजर हो सकता है कि 2800-2900 के आसपास सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि 3000-3200 की रेंज जो है वो नहीं टूट पा रही है, तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई नहीं देता है। जी, ये सर पर जी, बात करें अगर हम मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि कुछ खरीदारी लौटी है, हल्की सी आज मसालों में तेजी देखने को मिली है नरमी वाले रुख के बाद, आपको क्या लगता है क्या मसालों में अभी भी ऐसी उठापटक वाला माहौल देखने को मिलता रहेगा? देखिए, मसाले तेज हैं अखिलेश, कल प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई थी मार्केट के अंदर, हमने पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन में बाजारों में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आते हुए देखी, दरअसल एक्सपायरी भी थी इस वजह से भी हमने बाजारों में उठापटक आते हुए देखी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मसालों का फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, चाहे वो धनिया हो या फिर जीरा, सबकी देखे तो प्रोडक्शन इस बार काफी कम हुआ है और एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होने की पूरी उम्मीद है कि यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं और कीमतें आगे सपोर्ट लेती हुई नजर आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन थी इस करेक्शन में बाइंग में रहना चाहिए था, और अभी भी लेवल्स में बाइंग किया जा सकता है, और ऊपर में मुझे लगता है कि धनिया 13,000 के ऊपर एक बार निकलता हुआ दिकाई दे सकता है, वहीं जीरा भी 22,000-22,500 का जो टारगेट था उसके अगेन उसके आसपास एक बार फिर से आता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ से अगर तेजी पकड़ता है तो फिर 23,000-23,000 की तेजी जीरे में भी बनती दिखाई दे सकती है। वहीं हल्दी भी मुझे लगता है यहाँ से 1800 का स्तर छू सकती है, तो फिलहाल के लिए मुझे पोटेंशियल काफी अच्छी लगती है मसालों में, मसालों के अंदर बाय करके चला जा सकता है। जी, ये सर जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में भी देख रहे हैं कि लेवल्स ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, हर इंसान पर ग्वार का बाजार है, अभी भी ऊपरी कीमतों पर सस्टेन हो रखा है। रूपा जी, आपको क्या लगता है ये जो ऊपरी स्तर पर ग्वार का वायदा एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, तो अभी ब्रेकआउट लेवल्स कब तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देख रहे हैं फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग ही है, तो ये ब्रेकआउट लेवल कब तक एक्सपेक्टेड है 15,000 वाला और 6,800 वाला? देखिए, बाजारों में ओवरऑल तेजी है और लेवल कभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है अभी करेक्शन के बाद वापस से बाइंग में आया है। देखिए, ऊपरी स्तरों पर जब प्राइसेस किसी भी कमोडिटी के ऊपर सस्टेन होते हैं तो वहां पर जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आती है, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी काफी तेज है, तो वहां पर डिमांड का फैक्टर जो है अहम रोल प्ले करता नजर आता है, जिसकी वजह से कीमतें एक रेंज में घूमती हुई दिखाई देती है। और अगर अभी 13,000 के ऊपर ग्वार निकलता है तो जल्द ही हम इसको 15,000 तक के टारगेट आते हुए इसमें देख सकते हैं। जी, यहीं से पर जी बात करें अगर अब सोयाबीन की, तो US सोयाबीन देख रहे हैं कि $1600 की रेंज में ट्रेड करने के बाद अब सीधे $1744 तक निकल चुकी है, ऐसे में आपको क्या लगता है विदेशों में तेल तिलन बाजार में तेजी आना, सोयाबीन की प्राइसेस तेज होना, और सोयाबीन की जो वैश्विक सप्लाई और डिमांड है उसमें गैप होना, इसका असर अब सोयाबीन की प्राइसेस पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, सोयाबीन की प्राइसेस जो है वो अभी फिलहाल पॉजिटिव जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, और कीमतों में एक उछाल जो है वो बना रह सकता है, क्योंकि विदेशी बाजारों में
हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी है। यहाँ पर भी देखा जाए तो प्रोडक्शन अभी अच्छा हुआ है, जो है वो इस बार किसानों का रुझान बढ़ा है, लेकिन अभी भी जो है वो हमारे पास शॉर्टेज है और डिमांड अच्छी खासी है। और अगर अभी जैसे सीजन शुरू हो जाएगा शादी ब्याह का, तो उसके बाद जो है एक और डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई देगी। और आगे मुझे लगता है कि मई के अंदर और जून के अंदर एक अच्छी तेजी बनती हुई बाजारों में दिखाई दे सकती है, क्योंकि डिमांड निकल सकती है मार्केट के अंदर। और मेरे हिसाब से एडिबल ऑयल पैक के अंदर निचले स्तरों पर बाइंग में ही रहना चाहिए, आगे चलकर तेजी का रुझान बना रह सकता है। जी ये शर्मा जी, बात करें अगर अब सीपीओ की, तो सीपीओ में देख रहे हैं कि भारत में जो प्राइजेस हैं सीपीओ के रिफाइंड के लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सरसों तेल 190 रुपये लीटर है, सीपी आप रिफाइंड ऑयल 175 रुपये से 180 रुपये लीटर के आसपास है, और ऊपर से इंडोनेशिया की सरकार ने वहाँ पर सीपीओ के एक्सपोर्ट पर रोक भी लगा दी है। अब भारत में इसकी जो सप्लाई है वो शॉर्टेज है, दूसरा प्राइसेस भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है कि रिफाइंड का महंगा होने से, सीपीओ महंगा होने से, जो बाकी तिलहन है, जो बाकी खाद्य तेल है, क्या उनके भी प्राइसेस में तेजी देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि काफी जगह पर सीपीओ का भी यूज किया जाता है, और अभी सनफ्लावर ऑयल के देखा जाए तो उसमें भी हमें देखने को मिला है प्राइसेस के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगता नजर आ रहा है, वो डेफिनेटली उसका असर डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर नजर आ सकता है। और विदेशी बाजारों में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि क्रॉप काफी कम है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर है, और रूस और यूक्रेन की वजह से और ज्यादा सपोर्ट आता हुआ कीमतों को दिखाई दिया है। तो बिल्कुल एडिबल ऑयल पैक में इसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, और बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी ये सिर्फ जी, बात करें अगर वीट की, गेहूं की, तो गेहूं के प्राइसेस देख रहे हैं मंडियों में एमएसपी से बेहतर ही देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ल्यूक्रेटिव प्राइसेस हैं मंडियों में इस समय वीट के। रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से देख रहे हैं कि वीट की जो कीमतें हैं उनमें तेजी आई है। और रूपा जी, किसी किसी मंडी में तो देख रहे हैं कि जो गेहूँ है 3,000 के ऊपर भी बिकते नजर आया है। अब खबर भी ये निकल के सामने आई है कि इंदौर में किसी जगह पर, किसी मंडी में जो वीट है, जो गेहूँ है, वो 3700 रुपये क्विंटल तक बिकता नजर आया है। तो रूपा जी, ऐसे में क्या लगता है आपको, एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने से एक्सपोर्टर्स कंपनी ने जो दाम बढ़ा दिए हैं गेहूं के, वो विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए तो ठीक हैं, लेकिन भारत की आम जनता को भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है ऐसी सिचुएशन के अंदर। आम जनता भी महंगा गेहूं का आटा खरीद कर खा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या आगे ऐसी वीट के जो प्राइसेस हैं वो आगे बढ़े ही रहेंगे? देखिए अभी तो एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होने के चलते हमने देखा है कि कीमतों को सपोर्ट जरूर मिला है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी इन्फ्लेशन का मुद्दा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्फ्लेशन लगातार सब जगह पर हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सभी खाने पीने की चीजें जो है वो महंगी होती नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस तेज हो चुके हैं, फूड में लगातार उछाल है। तो अभी कीमतें जो है वो फिलहाल तेजी की तरफ बनी रह सकती है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता दिखाई देगा वो एक्सपोर्ट डिमांड का रहेगा। अगर एक्सपोर्ट इसी तरीके से पिकअप रहे तो फिर गेहूं की प्राइसेस जो है, जो गेहूं आप कह रहे हैं कि 3700 रुपए के आसपास मंडियों में अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है, वो हो सकता है कि 4000 तक भी जाता हुआ नजर आए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी मार्केट के अंदर, बाजार एक बार इतने लेवल छूटा हुआ नजर आ सकता। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप कृषि फसलों में? देखिए मेरे हिसाब से तो मसालों में बाइंग करनी चाहिए, धनिया और जीरा और हल्दी, ये तीन कमोडिटी ऐसी है जो एक अच्छा मुनाफा देती हुई नजर आ सकती है, इनमें खरीदारी करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मुनाफे की खबरों का दौर लगातार यूं बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।